जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान, चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। आज पहुंच चुके हैं हम एसिटिक एसिड, जिसे हम आईपीसी नाम में क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इन सबको हम आज डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। इसकी बनाने की विधि, ये सारी चीज़ें हमें आज डिटेल में देखने वाले हैं। और एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। एसिटिक अम्ल के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सबको डिटेल में हम देखेंगे। संरचना सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ठीक, हम देखने वाले भौतिक गुणधर्म क्या हो गया, यानी एथेनोइक अम्ल का, ठीक है, यानी एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का हम भौतिक गुणधर्म देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या हो गया, रासायनिक गुणधर्म को हम डिटेल में देखने वाले हैं। फिर लास्ट में देखने वाले इसका एसिटिक यौगिक यानी एसिटिक अम्ल का क्या होगा, उपयोग हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो यदि आप ये कर लेंगे तो आपका 6 नंबर एज इट इज जब भी पूछा जाएगा तो आपका 6 नंबर में ये पूछा जाएगा। नहीं तो कहेगा एसिटिक अम्ल का कोई 2 रासायनिक अभिक्रिया लिखे, तो मतलब आपको रासायनिक गुणधर्म में इसे बताया जाएगा, या कहेगा एसिटिक अम्ल के बनाने की विधि क्या होती है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या 2 नंबर में पूछ सकता है आपका, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सेशन, एसिटिक अम्ल, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका साधारण नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। इसका आईपीएसी नेम होता है एथेनोइक अम्ल, और रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। अब इसका आईपीएसी नेम लिखने के लिए आप कैसे कहेंगे, एथेनोइक एसिड ही लिखा गया। टेंशन जिंदगी में लेने का नहीं भाई, दुनिया में कभी भी टेंशन लेने का नहीं, जो दिया है उसी को हम आपको बताते हैं। देखो लिखा CH3COOH, देखा जाए तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एथ प्रयोग करेंगे, कोई टेंशन नो सर। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रयोग करिए। इसके लिए यदि कहीं वर्ड रहता तो ओइक वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ये आपके सामने हो जाएगा ओइक, लास्ट में लगा देंगे एसिड, ये आपके सामने नाम हो गया एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसी का आईपीएसी नाम लिखते हैं। अब इसकी संरचना सूत्र यदि बनाने के कहे तो बताओ, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 1 कार्बन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन यही बनाना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन यहाँ से चिपका दिया ईजिली। उसके बाद देखा जाए तो क्या हो गया, ये आपका सीधे को 2 ठीक O है, तो हम क्या कर देते हैं, 1 OH इसके साथ चिपका देते हैं, 1 अभी ऑक्सीजन बचा तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन चिपका देते हैं। ये जो बन के आ गया आपके सामने, ये पोर्शन है, ठीक है, ये जो बन के आया ये पोर्शन आपका क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल का, ठीक है। ये प्यारा सा संरचना सूत्र है, ठीक। तो ऐसे ही आपको पूछेगा तो इसी तरह से आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो सामने आपके पास क्या देखो, ये एसिटिक हमने जिसका साधारण नाम आईपीएसी नेम कहेगा तो एथेनोइक का, मेरे भाई याद रखना, ऐसे ही एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम बताइए, तो एथेनोइक अम्ल आपको चिपका देना है यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। फिर इसका संरचना सूत्र देखा जाए CH3COOH होता है, इसका आईपीएसी नाम भी हमने बता दिया। संरचना देखा जाए तो ऐसे बना, जब कहेंगे सर ये ऊपर क्यों नहीं रखे, चाहे जहां रखे उससे टेंशन है, नीचे भी तुम बना सकते हो, डबल बॉन्ड में हो या सिंगल बॉन्ड में ओ एच ये बना सकते हो, उसकी टेंशन नहीं रही। तो ये जनरल चीज़ें थी एसिटिक अम्ल के बारे में। अब हम आते हैं मेन मुद्दे यानी बनाने की विधि पे आते हैं, ठीक है, किस पे, बनाने की विधि पे हम देखते हैं डिटेल। अब बनाने की विधि कैसे बनाएंगे, मतलब कहीं लैब में तो बनाया जाता होगा ना एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यदि माइंड में आए तो सिरका, देखिए सिरका तुम्हारे पास एसिटिक एसिड होता है, मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन 5 से लेकर 10% तक हो सकता है। तो इसमें होता क्या, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे एथिल एल्कोहल से, इन्होंने एथिल एल्कोहल से क्या बनाया है, एसिटिक अम्ल बनाया, क्या, एसिटिक अम्ल। इसीलिए आपसे अनुरोध करते हैं प्लीज आप एथेनोइक अम्ल मतलब एथिल एल्कोहल का वीडियो देख कर आएंगे तो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा एज कम्पेयर टू इसमें, ठीक है। वहाँ जो आप पढ़े होंगे वही लाख चिपका देना, बस काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है, छारी के MnO4 या अमली K2Cr2O7 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एसिटल्डिहाइड बनता है, इसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। 2 स्टेप में होता है, देखिए एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहे हैं भाई, ठीक है, कहना ये चाह रहे हैं भैया कि, ठीक है, कि देखिए इन्होंने सबसे पहले एथिल एल्कोहल लिया, एथिल एल्कोहल मतलब हम अभी रुक जाओ, हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, सीधे एथिल, ठीक है,
एथिल एल्कोहल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एथिल एल्कोहल लिखते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नो सर, एथिल एल्कोहल लिखते हैं। इसका ऑक्सीकरण कराने किसकी उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में, तो ये इनकी उपस्थिति में के एम एन ओ फोर ले लेते हैं, ठीक है, के एम एन ओ फोर ले लेते हैं। उसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। इसके बाद क्या बनेगा भैया, ऑक्सीकरण कराने पर एसिटल डिहाइड बनता, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एसिटल डिहाइड बनाना, क्या बनाना है, एसिटल डिहाइड बनाना, जो आपके सामने हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, एसिटल डिहाइड बना दिया। अब फिर इसका क्या देखा, देखो पुनः ऑक्सीकरण कराने पर, ठीक है, मान लेते हैं पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीजन आपको देना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर इनका पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे के एम एन ओ फोर की उपस्थिति में, ठीक है, के उपस्थिति में, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड नाम सामने आ जाएगा, आपके पास क्या हो गया, एसिटिक अम्ल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, बस इतना ही लिखना है। अब इसका उठा के आप फार्मूला लिखेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। ये जो लिखा गया पहले हम लिखते हैं, एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5 और OH होता, ये इसका फार्मूला। या इसे ऐसे भी नहीं लिखना चाहते हैं तो CH3 बांड में CH2 बांड में OH ऐसे भी लिखा रहता तो बुक में उसकी टेंशन मत लेना भाई, ठीक। अब देखिए जैसे जैसे लिखा उसे लिख दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए के एम एन ओ फोर लिख दीजिए, क्या कर दीजिए, के एम एन ओ फोर लिख दीजिए। अब एसिटल डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3 होता है, COCHO होता है जी, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो CHO ग्रुप हो जाएगा, ये हो गया। फिर इसका पुनः आपका ऑक्सीकरण करा दीजिए, क्या करा दीजिए, यहाँ पर देखा जाए तो पुनः आपका ऑक्सीकरण करा दीजिए, के एम एन ओ फोर हो जाएगा, ठीक है। अब एसिटिक एसिड का फार्मूला भी पढ़े हैं, CH3COOH हो जाएगा, यही आपको लिखना था जो ये कहा गया है उसके बारे में, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पर इसके नीचे उसी को लिख देते हैं, अपना काम खत्म हो जाएगा। यानी हम देखें तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CH3 बांड में CH2 बांड में तुम्हारे पास OH हो जाएगा, ठीक। अब इसे ऐसे करके हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराते हैं किससे, KMnO4 की उपस्थिति में, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा आपके सामने, CH3 हो जाएगा CHO, ये एसिटल डिहाइड का फार्मूला है, और न्याय जानते इसमें से पानी निकलता है, यही क्या करेगा, यही वाला पोर्शन में, ठीक है, निकलता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर एरो लगाएंगे, ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराएंगे, फिर आपके सामने क्या रखना पड़ेगा, के एम एन ओ फोर रखना पड़ेगा, और इसे देखा जाए तो CH3COOH ये लिखना पड़ेगा आपके सामने यहाँ से। अब इसके नीचे उसका नाम लिख देते हैं तो आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा, ठीक है। इसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता, क्या होता है आपके सामने, एथिल एल्कोहल हो गया, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। फिर ये देखा जाए तो इसकी किसका फार्मूला, एसिटल डिहाइड का फार्मूला, तो यहाँ पर आप लिख दिए एसिटल डिहाइड, ठीक है, ये तुम्हारे पास एसिटल डिहाइड हो गया। और ये लास्ट में देखा जाए तो आपके सामने क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ से लिख दिया गया इजीली, ठीक है। तो ये आपका टोटल और टोटल हो गया एथिल एल्कोहल बनाने की, एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, ये दो स्टेप में होती है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक। तो ये आपका पोर्शन एक विधि हो गई। अब औद्योगिक विधि क्या होती है, औद्योगिक विधि मतलब जैसे सिरका घर पे क्या बनाता है, गन्ने का रस लेते हैं, उसी को औद्योगिक विधि कहते हैं। गन्ने का रस से क्या करते हैं, गन्ने का रस लेते हैं, उसी का फर्मेंटेशन करा देते हैं, मतलब किण्वन करा देते हैं। किण्वन कराने के बाद क्या बन जाता है, एथिल एल्कोहल बन जाता है, प्लस में आपका ऑक्सीजन बनता है। फिर वो ऑक्सीडेशन करके क्या बना देता है, CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड बनाता है। कैसे अब होता, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको, ठीक देखिए, यानी चीनी लेना पड़ेगा, चीनी मतलब सिरका लेना, ओ जो गन्ने का रस लेना पड़ेगा, 12 और यहाँ से क्या हो जाएगा 22 और वो 11 होता है जी, ठीक। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, सुक्रोज का हो जाएगा। इसे जल में क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, मतलब चीनी जो रहता है यानी उसका फार्मूला ये है, उसे पानी में डिजॉल्व करेंगे। या मान लेते गन्ने का जो रस लिए तो गन्ने का रस का फार्मूला ये है, उसमें पानी की मात्रा रहती है, ये हो गया। अब इससे जब फर्मेंटेशन कराया जाता है, ठीक है, फर्मेंटेशन कराया जाता है तो आपके सामने C6H12O6 प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोला जाता है। प्लस में यहीं पर क्या होता है, C6H12 और O6 दिया था,
इसे क्या बोला जाता है, फ्रुक्टोज बोला जाता है, जो फल से प्राप्त होता है। इसका टेंशन नहीं लीजिएगा, इसे अभी नहीं ले, चाहे आप इसे ले चाहे इसे ले, अब इन दिनों को फर्मेंटेशन कराएंगे। इसको उठा के क्या करेंगे, C6H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा, ये ग्लूकोज का फार्मूला। इसका जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ठीक है, मतलब किण्वन कराया जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए किण्वन, ठीक है, ये तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, किण्वन, किण्वन कराया जाता है तो कितना हो जाता है, C2H5 और OH प्राप्त होता है, प्लस में इसमें क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन निकलती है। एक्चुअल में देखा जाए तो इसका जो फर्मेंटेशन से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, प्लस में एथिल अल्कोहल निकलती, इतना चीज निकलती है, ठीक। फिर इसे जानते हो क्या कर देते हैं, फिर इन्होंने फर्मेंटेशन जब कराएंगे इसका, फिर मतलब इसे जब किण्वन कराएंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, CH3COOH पर। यही सेम टू सेम प्रोसेस होता है, सिंपल सा क्या कहते हैं, देखो गन्ने का लाते हैं रस, और गन्ने का रस को क्या करते हैं, मटकी में रख देते हैं, जब उसमें फर्मेंटेशन होता है ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, इन्हीं ग्लूकोज फ्रक्टोज का फिर किण्वन होता है, तो उसमें देखेंगे जो सिरका उरका बनाते हैं, देखेंगे पूरा तरह से कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते, उन्हें छान के फिर अलग कर दिया जाता है, फिर उसे बहुत ज़्यादा हीट दिया जाता है तो अपना काम होता है। तो ये जो बताओ, इन्हीं का किण्वन से बना गया एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पर होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता तो आपके सामने एसिटिक अम्ल बन के तैयार हो जाता है, ठीक। तो इतना था विधि बनाने की, विधि में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके भौतिक गुणधर्म पे, फिर रासायनिक गुणधर्म उपयोग पढ़ के ये खत्म हो जाएगा। अब भौतिक गुणधर्म क्या होता है, जैसे हमें हमारे बारे में कहा जाए कि भौतिक गुण इनका क्या क्या होता, तो कहेंगे अच्छा ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, बुलाएंगे ना, कहेंगे छोट कबाट है, करिया कबाट है, ठीक है, ऐसे बताएंगे कि नहीं, तो ही चीज बताना है आपको भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो सिरका देखा जाए तो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर का है, तो एसिडिक पढ़े होंगे अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में, एसिडिक क्या होते हैं आपके, खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे हो जाएंगे। दूसरा जल में विलेय होते हैं, मतलब किसी भी एसिटिक एसिड को लेकर जल में इजिली क्या हो जाएंगे, ये यानी विलेय हो जाएंगे, ठीक। इनका क्वथनांक कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना, 118 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने पे वो क्या हो जाता, बॉयल हो जाता है, ठीक। ये रंगहीन होते हैं, सिरकी जैसे तीक्ष्ण गंध वाले क्या होते हैं, संचारक पदार्थ होते हैं, ध्यान से सुनिए क्या कह रखा, ये रंगहीन होते हैं, मगर सब कहेंगे आप हमारे घर में जो सिरका एक्चुअल में रंगहीन नहीं, वो गंध है, गंध टाइप में है, ठीक है, ब्राउन कलर का एक्चुअल में देखा जाए आपके, ठीक है, आपके जो तुम्हारे घर में है उसमें सिरका जो है, तो सिरके यानी एसिटिक एसिड की मात्रा चाहे लेकर 5 से 10% होती है, और सब क्या होती है, वाटर की मात्रा होती है, किसकी, वाटर की मात्रा, केवल और केवल इतना, यदि 100% आप एसिटिक अम्ल देखेंगे लैब के अंदर तो देखेंगे फुल्ली ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रंगहीन, उसका कोई कलर नहीं होता। सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध आती, मतलब उसे यदि गंध करेंगे ना तो सिरके जैसी बहुत तगड़ी तीक्ष्ण गंध आती है, और संचारक द्रव होता, क्या होता, किसी चीज को संचारक, किसी चीज को यानी प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, संचारक के रूप में करते हैं, तो ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक। अब रासायनिक गुणधर्म की तरफ रुख करते हैं बेटा, ठीक है, रासायनिक गुण, वो तो भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म मतलब क्या होता, सिरका को किसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, किसी के साथ अब अभिक्रिया करा सके क्या बनता है, उसे आपको नोट कर देना, उसी को रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। मतलब कह रखा है कोई एसिटिक अम्ल लेंगे, किसी के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो कैसे अभिक्रिया करेगा, उसको आपको मैनेज करना है, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म में। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा दिया है, तो क्या होता है, ठीक है, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या होता है, तो पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं तब इसका एग्जांपल लिखते हैं। तो लिखा है एथेनोइक अम्ल, मतलब एथेनोइक मतलब एसिटिक अम्ल को, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक है, लवण बनाते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, प्लस में जल का क्या कर देते हैं, निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तब देखिए क्या होता है, सबसे पहले लिखा एथेनोइक अम्ल, तो यहां पर आप क्या लिखिए, एथेनोइक अम्ल लिखिए, CH3COOH लिखिए, सोडियम कार्बोनेट, तो हम पहले सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3 ले लेते हैं,
ठीक, कोई टेंशन नो सर। इसका जब आप यानी आप क्या करेंगे, इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे, मतलब एथेनोइक एसिड को अभी बाइकार्बोनेट के भी साथ कराएंगे। पहले सुनिए, एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब कराया जाता तो क्या निकलता, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कराने पर क्या लवण बनता, इसी का लवण बनेगा, प्लस में तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जल, तो आप निकालिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या निकाल दीजिए जल, जो बचा हुआ यहां पर उसी का वो लवण रहेगा। एक्चुअल में होता क्या, ये जो CH3 चिपका दिया जाता है यहां पर, ठीक, अब OCOO ये हो जाता और ये सोडियम इसी के बगल में चिपक जाता, तो ये हो जाएगा सोडियम। अब जानते हो कार्बोनेट कभी भी टूटेगा, ठीक है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है, याद रखना, जब कार्बोनेट कभी भी टूटेगा, ठीक है, कार्बोनेट कभी भी टूटेगा, देखिए कार्बोनेट कभी भी टूटेगा तो दो चीज में, ऑक्सीजन में क्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक, तो ये कार्बन देखिए एक हो गया, ऑक्सीजन तीन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन यहाँ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, अलग होगी। ये ऑक्सीजन किसी हाइड्रोजन के साथ बाइंड करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। देखिए इससे ये जो टूटा हुआ, एक सोडियम यहाँ चिपका दिए, इससे ये टूटा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ होगा, मगर एक ऑक्सीजन बचा होगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बाइंड होकर क्या हो जाएगा, वाटर बना देगा, ठीक, यही होता। फिर इसे हमें बैलेंस करने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा, दो से तुम्हें यहां गुणा करा देना पड़ेगा, दो से यहां गुणा करा देना पड़ेगा, ऑलरेडी ये बैलेंस है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो सोडियम है और इसे एसीटेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे नाम यदि देखा जाए तो यानी मतलब सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, और इसे क्या बोला जाता है, एसीटेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एसीटेट, ये इसका नाम हो गया, ठीक है, यानी रासायनिक नाम हो गया, ठीक। तो ये एक अभिक्रिया थी, और भी करा देते हैं अब, यानी बाइकार्बोनेट के साथ करा देते हैं इसका, सर जी कहेंगे आप तो कार्बोनेट के साथ कराएं, बाइकार्बोनेट के साथ कराइए, कोई टेंशन नहीं, हम करा देते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप में लेते हैं, हम क्या लेते हैं, CH3 लेते हैं, COOH लेते हैं, अब क्या कर देते हैं, इसके लिए बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 होता है, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है। इसे जब अब क्रिया कराया जाता तो सेम टू सेम यही निकलेगा, बस काम खत्म हो जाएगा, बैलेंसिंग में थोड़ा सा, ठीक है, CH3COO इसका ये लवण प्राप्त हुआ, प्लस में तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, प्लस में आपका जल प्राप्त हो गया, आपके सामने जलपरा बना गया, ठीक है। तो ये आपका नाम वही सेम टू सेम होगा, सोडियम एसीटेट होगा, मगर इसका नाम यदि देखा जाए तो, यानी इसका नाम देखा जाए तो सोडियम, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट होता, सोडियम, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, और इसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई मतलब ये है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बाई कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, बाई कार्बोनेट हो जाएगा, जो आपके सामने यहां से हमने छाप दिया, इसका नाम सोडियम एसीटेट होगा। तो हमने देख लिया एक गुणधर्म किसका, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का एक गुणधर्म आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गया, चाहे आप एग्जाम में ये लिखिएगा चाहे ये लिखिएगा, और मेरे भाई याद रखिएगा, ठीक है, आप सातों सेट में से जो सात सेट बनता तो उसमें कम से कम चार से पांच सेट में एजिटी जैसे पूछा जाता है एथेनोइक अम्ल का, ठीक है, एथेनोइक अम्ल का कोई दो रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, या कहेगा एथिल अल्कोहल का दो रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो यही आपको एक अभिक्रिया ये लिखना पड़ेगा, नीचे ये जो दिया गया इसे आपको लिख के काम खत्म कर देना पड़ेगा, ठीक, आराम से, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक। अब हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट में दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो इन्होंने क्या लिख रखा है, यानी एसिटीकरण अभिक्रिया, एसिटीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अब इसे ध्यान से सुनिएगा, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं तो फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, जब एसिटिक अम्ल को और एथिल अल्कोहल को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता, क्या बनता है, एस्टर बनता, क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता, उसी को एस्टर बोला जाता है, ठीक है, और एस्टर बनता है, इस अभिक्रिया को इसीलिए क्या बोला जाता है, एसिटीकरण अभिक्रिया, मतलब एस्टर का फॉर्मेशन होता है इसीलिए एसिटीकरण अभिक्रिया बोली जाती है, ठीक। एक्चुअल में ये क्या कार्य है, ध्यान से सुनिए, उदाहरण में देखा जाए तो सबसे पहले क्या लिखें, एसिटिक अम्ल लिखें, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, CH3COOH ये लिख देते हैं, कोई टेंशन नो सर। अब प्लस में क्या कर देते हैं, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को भैया थोड़ा सा आप ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा बांड में C2H5OH, मतलब C2H यानी C2H5OH, ये फार्मूला थोड़ा उल्टा लिखें, अब क्यों लिखें, अभी रीजन आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जब ये अभिक्रिया कराया जाएगा तो आपको देखिए कुछ ध्यान नहीं देना है, ठीक है, एक्चुअल में आपको ध्यान कहां देना उसी को हम क्या कर देते हैं, यहां से अंडरलाइन पोर्शन कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए,
ठीक है। ये एक्चुअल में होना क्या, देखिए आपके सामने ये जो तुम्हारे पास H2O है, ये H2O आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जोड़ दीजिए और ये जो अलग करके आपको साइड में लिख दीजिए। मतलब देखिए हाइड्रोजन कितना, दो, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन आपके पास क्या होगा, टू है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन चिपका दीजिए। आपके सामने हो गया क्या, H2O मतलब पानी यानी जल निकलेगा, जो बचा हुआ सब सेम टू सेम छाप दो, एस्टर का फार्मूला हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, C2 है, देखो कहने का मतलब देखिए C2H5OH है, तो बताओ इसे ऐसे करके OH यहाँ लिख दिया जाए, C2H5 यहाँ लिख दिया, तो कोई टेंशन नो सर, कोई टेंशन नहीं, यही उसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या करेगा, एक वाटर का फॉर्मेशन को निकाल देगा। ठीक, तो ये सामने देखा जाए तो CH3, अब क्या बचा, CH3COO, यहाँ पर लिखते हैं CH3COO और यहां से बांड में क्या लिखते हैं, C2H5OH लिखते हैं, ये सामने हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, देखिए एथिल एसीटेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए इसको एथिल बोला जाता तो हमने क्या कर दिया, एथिल बोल दिया, इसे एसीटेट बोला जाता तो ये क्या हो जाएगा, एसीटेट हो जाएगा, ये यानी क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक, ये टोटल और टोटल क्या हो जाए, एसिटीकरण अभिक्रिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया आपके सामने। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में, हमने दो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, किसके बारे में, एथेनोइक अम्ल के बारे में। और याद रखना भाई, कहेगा एसिटीकरण अभिक्रिया क्या होती, तो इसी की परिभाषा और ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा देना है। ठीक है, ये हो गया, इसका नाम एसिटिक अम्ल है और इसका नाम एथिल अल्कोहल है और एथिल एसीटेट बना दिया, प्रश्न में जल बना दिया आराम से। ठीक, तो ये था इसके बारे में, और चलते हैं भाई। ठीक है, और हम देख लेते हैं क्या कह रखा भैया इसको बारे में, और देख लेते हैं। ठीक है, अब उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, उपयोग देख लेते हैं, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा साबुन के ऊपर आएगा, अब कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उपयोग देखा जाए, सिरके का उपयोग क्या करते हैं, देखो सिरके के रूप में, मतलब एथिल एसीटेट का जो हमारे पास उपयोग होगा तो सिरके के रूप में होता, पहला पोर्शन। दूसरा क्या होता है, रंग, कागज, रेशम में क्या करते, उपयोग करते, एक तरह का व्यंजक के तरह से, जैसे माने तो उसे सफाई करना रहेगा ना, तो एसिटिक यानी एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक, रबड़ के स्कंदन में, रबड़ के स्कंदन मतलब जो रबड़ लिक्विड का फॉर्म में होता है, उसके स्कंदन मतलब उसे सॉलिड के फॉर्म में करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लवणों का प्रयोग औषधि के रूप में करते हैं, मतलब इसके जो लवण रहते हैं ना, एसिटिक अम्ल, जैसे टैबलेट हो गया। ठीक है, क्योंकि देखें जाए गांव में, देखेंगे सिरका खाते हैं दाल उल में डाल के, क्यों, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे पेट में एसिडिटी बनी रहती है उसे क्लीन करने का काम करती है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, उसका प्रयोग औषधि के रूप में करते हैं। EDTA का निर्माण में भी करते हैं। ठीक है, EDTA क्या होता है, एक तरह का संक्षारक होता है। अब देखिए EDTA जो होता है, जो ब्लड को प्रिजर्वेटिव मान लेते हैं, लैब में जाएंगे तो नहीं तो कहते हैं यार ब्लड वन निकाल ले, है ना, और जम जाता, मतलब हमारे यदि ब्लड ऐसे कट जाए तो, यदि बाहर रखा जाए तो जम जाएगा कि नहीं, मगर वो सब क्या कर देते, पूरा दिन उसी पे स्टडी करते रहते, दो दो दिन, चार चार दिन, तब वो यानी वो क्लॉट मतलब वो थक्का नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि उसमें EDTA का डाल दिया जाता। EDTA क्या होता है, इथाइलिन, अब इसका फुल नेम यदि लिखना चाहें तो भाई आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए, तुम्हारे पास क्या होगा, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन, ई से इथाइलिन, डी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डायामीन हो जाएगा। ठीक है, डायामीन हो जाएगा, टी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, और ए से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसीटेट हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ से हमने लिख दिया इसके बारे में। तो ये हो गया इनके बारे में, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।